हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पापाची मॉथ वोवन वर्ड्स बुक ग्रेड 11 से। सबसे पहले तो मॉथ क्या होता है ये बता दें। मॉथ जो है बटरफ्लाई, आपने को पता ही होगी। बटरफ्लाई और मॉथ दोनों काफी हद तक एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बटरफ्लाई को आपने देखा होगा काफी रंग बिरंगी होती है, ब्राइट कलर्ड होती है, लेकिन जो मॉथ होता है वो काफी डल कलर्ड होता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आप कह सकते हैं बटरफ्लाई और मॉथ में है कि जब भी बटरफ्लाई कभी किसी पे बैठती है तो उसके जो दोनों विंग्स हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं, लेकिन जो मॉथ होता है वो हमेशा अपने विंग्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट रखता है, यानी वो जो है सीधे खड़े करके नहीं रखता, वो जमीन पे बिल्कुल उनको फ्लैट करके और तब बैठता है। अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। मामाजी हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स कमर्शियली soon after Pappachi retired from the government service in Delhi and came to live in Imenam. Mamaji ne jo hai foreign pickles ka jo hai ek tarah se kaam shuru kar diya tha jab Pappachi retire ho gaye government service se Delhi mein jo kar rahe the aur phir Imenam rehne aa gaye the. The Kottayam Bible Society was having a fair and asked Mamaji to make some of a famous banana jam and tender mango pickle. Kottayam Bible Society jo thi unke yahan koi fair lagi thi और उन्होंने मामाजी से कहा कि आप जो है अपना फेमस बनाना जैम और जो मैंगो पिकल है वो हमारे लिए बना दीजिए। इट सोल्ड क्विकली एंड मामाजी फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी कुड कोप विद। उनके जो अचार थे और जो जैम था वो इतनी जल्दी बिक गए कि मामाजी को लगा कि उनके पास कहीं ज्यादा और ऑर्डर्स आ गए हैं जितने तो वो कर भी नहीं पाएंगी। थ्रिल्ड विद हर सक्सेस शी डिसाइडेड टू परसिस विद द पिकल्स एंड जैम एंड सून फाउंड हरसेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड। अब एक जहां उनको खुशी मिली अपने सक्सेस की, उससे वो इतना ज्यादा एक्साइट हो गई कि उन्होंने कोशिश करी, बल्कि कहना चाहिए निश्चय कर लिया कि अब वो जो है अपना जो जैम और अचार का बिजनेस है इसको और आगे बढ़ाएंगी। और फिर एक तरह से देखा गया आगे कि वो पूरे साल इसी में ही बिजी रहने लग गई। पापाजी फॉर हिज पार्ट वाज हैविंग ट्रबल कोपिंग विद द इग्नोमिनी ऑफ द रिटायरमेंट। पापाजी जो है वो अब रिटायर हो चुके थे, पर अपना जो उनका रिटायरमेंट हुआ था उसको वो जो है पचा नहीं पा रहे थे, उनको उससे परेशानी हो रही थी। He was 17 years older than Mamaji and realized with a shock that he was an old man when his wife was still in her prime. उनको ये एहसास हो गया कि अभी जैसे कहना चाहिए उनकी उम्र जो है मामाजी से लगभग 17 साल बड़ी थी, और अब उन्हें ये एहसास हो रहा था कि वो तो एक बूढ़े हो गए हैं जबकि उनकी वाइफ जो है वो अभी भी काम कर रही है, काफी एनर्जेटिक और एक्टिव है। दो मामाजी हैड कॉनिकल कॉर्नियास एंड वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड, Pappachi could not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high ranking ex government official. जो मामा जी थी उनको जो है कॉर्निकल कॉर्निया की प्रॉब्लम थी, यानी उनकी आंखें जो है काफी कमजोर हो चुकी थी और एक तरह से उनको बहुत कम दिखाई देता था, लेकिन तब भी Pappachi ने कभी उनकी मदद नहीं करी अचार बनाने में, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो अचार बनाने का काम है ये उनके जैसे एक ऊंचे ओहदे वाले एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए अच्छा काम नहीं है। He had always been jealous man, so he greatly resented the attention his wife was suddenly getting. क्योंकि वो खुद अपने में उनका जो नेचर था वो काफी जलन वाला था, वो काफी जलते थे लोगों से, इस वजह से उनको जो है जब उनकी वाइफ की फेम शुरू हो गई या जैसे उनकी वाइफ को पब्लिसिटी मिलने लग गई तो उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा था। He slouched around the compound in his immaculately tailored suits, weaving sullen circles around mounds of stretched chilies and freshly powdered yellow turmeric. Watching Mamaji supervising the buying, weighing, salting and drying of limes and tender mangoes. अब वो जो हैं बड़े लेजी अंदाज में जो हैं कंपाउंड में घूमते रहते थे अपने बिल्कुल साफ सुथरे सिले सिलाए सूट पहन के, और जो हैं पता नहीं कैसे अपने दिमाग में जो हैं चीजें बनाते रहते थे, चाहे वो क्या कहते हैं रेड सर्कल्स हो, चिलीज के रेड सर्कल्स हो जहाँ ढेर लगा होता है, या फिर जहाँ पर येलो टर्मरिक जो है वहां पर जो है वो घूमते रहते थे और मामाजी को देखते रहते थे कि वो किस तरीके से खरीद रही हैं, तोड़ रही हैं, या जैसे नमक है उसको डाल रही हैं, सुखा रही हैं, तो ये सब जो है वो जो उस तरह से अपने अचार में कर रही होती थी लाइम के और मैंगो के वो उनको देखते रहते थे। एवरी नाइट ही बीट हर विद अ ब्रास फ्लावर वेस, हर रात जो है वो मामाजी को जो है ब्रास के फ्लावर वेस से मारते थे। द बीटिंग्स वरंट न्यू, अब ये जो बीटिंग्स थी यानी ये जो मार थी ये उनकी नई नई थी। व्हाट वाज न्यू वाज ओनली द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच दे टुक प्लेस, सिर्फ नया क्या होता था कि किस बात पे उनको कब गुस्सा आ जाए और कितनी जल्दी उनको जो है फिर से मार पड़ जाए, इस बात पर डिपेंड करता था या कितनी जोर से मार पड़े।
One night Pappachi broke the bow of Mamachi's violin and threw it in the river. एक रात की बात है, Pappachi ने जो है Mamachi के violin का जो bow था उसको तोड़ दिया और फिर उसको नदी में डाल दिया. Then Chaco came home for a summer vacation from Oxford. फिर जो Chaco है वो summer vacations के लिए Oxford से घर आए. He had grown to be a big man and was in those days strong from rowing for Balliol. वो जो है एक बहुत बड़े आदमी हो गए थे, मतलब जैसे grown up हो गए थे, और उन जमाने में Balliol में जो बोट होती थी या बोटिंग होती थी उसकी वो जो है रोइंग करते थे क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग थे. A week after he arrived, he found Pappachi beating Mamachi in the study. एक हफ्ते में उनके जब वो आ गए थे उसके एक हफ्ते के बाद उन्होंने देखा कि Pappachi जो है वो Mamachi को स्टडी में मार रहे हैं. Chaco strode into the room, caught Papachi's waist hand and twisted it around his back. Chaco एकदम से कमरे में आया, उसने Pappachi का जो जिसमें फूलदान पकड़े हुए थे उस हाथ को पकड़ के पीछे मोड़ दिया. I never want this to happen again, he told his father ever. उन्होंने कहा आज के बाद ये जो है कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं. उन्होंने ऐसा अपने फादर को कहा. For the rest of that day, Pappachi sat in the veranda and stared stonily out on the ornamental garden, ignoring the plates of food that Cocho Maria had brought him. अब पूरा बाकी का जो दिन था Pappachi जो है वो वेरांडे में बैठे रहे और बस बिल्कुल पत्थर बने हुए जो उनका सुंदर सा बगीचा था उसको देखते रहे. जो भी उनके लिए खाना ला रहा था प्लेट में लगा के, जैसे Cocho Maria ला रही थी, वो उसको मना कर दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे. Late at night he went into his study and brought out his favorite mahogany rocking chair. फिर रात को जो है वो अपनी स्टडी में गए और जो है अपनी जो फेवरेट उनकी महोगनी लकड़ी से बनी हुई रॉकिंग चेयर थी उसको लेकर बाहर आ गए. He put it down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench. अब उन्होंने क्या किया, बिल्कुल आने जाने वाले रास्ता जो होता है उसके बीचों बीच में उसको रखा और उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए जो प्लम्बर की मंकी रेंच होती है उससे. He left it there in the moonlight, a heap of varnished wicker and splintered wood. अब उन्होंने क्या किया, उस चांद की रोशनी में वहीं पर जो है उस टूटी फूटी जो लकड़ी की पूरी थी चेयर जो थी उसके ढेर को वहीं छोड़ दिया जिसपे वार्निश लगी हुई थी, बहुत अच्छी सी जो चेयर थी. He never touched Mamachi again. उसके बाद उन्होंने Mamachi को कभी नहीं छुआ. But he never spoke to her either as long as he lived. और उन्होंने उसके बाद कभी भी Mamachi से बात तक नहीं की जब तक वो रही. When he needed anything, he used Cocho Maria और बेबी को चमा as intermediaries. जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता था तो या तो वो Cocho Maria को या फिर बेबी कोचामा को जो है बीच जैसे होते ना कि कुछ भी उनके थ्रू कहकर अपना काम पूरा करते थे. He bought the sky blue Plymouth from an old Englishman in Manar. फिर उन्होंने जो एक बहुत बड़ी सी गाड़ी जो है स्काई ब्लू कलर की एक ओल्ड Englishman से मनार में खरीदी. He became a familiar sight in Aymanham, coasting importantly down the narrow road in his white car. Looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suit. अब वो जो है वो एक तरह से कॉमन साइट हो गए थे Aymanham में कि वो जो है इतनी पतली पतली सड़कों पे इतनी चौड़ी सी गाड़ी लेकर चलते थे. बाहर से कोई भी देखे उसे बहुत एलिगेंट लगते थे लेकिन अंदर से जो है अपने वुलन सूट्स में उनको बुरी तरह पसीना आ रहा होता था. He wouldn't allow Mamachi or anyone else in the family to use it. उन्होंने ना तो Mamachi को या और किसी मेंबर को अलाउ किया था कि वो उसको यूज करेंगे और इवन टू सिट इन इट या उसके अंदर बैठे. The Plymouth was Papachi's revenge. एक तरह से जो गाड़ी उन्होंने खरीदी थी ये उनका बदला था. Pappachi had been an imperial entomologist at the Pusa Institute. Pappachi जो हैं वो एक रॉयल एंटोमोलॉजिस्ट थे Pusa Institute में. After independence, when the British left, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology. जब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया छोड़कर चले गए तब उनका जो डेजिग्नेशन था, उनका जो उनको एक ओहदा मिला हुआ था, वो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से चेंज होकर जॉइंट डायरेक्टर का हो गया था एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में. द ईयर ही रिटायर्ड ही हैड राइज़न टू अ रैंक इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर. जिस साल वो रिटायर हुए तब तक उनकी जो रैंक थी वो ऑलमोस्ट बराबर टू डायरेक्टर हो गई थी. हिज लाइफ ग्रेटेस्ट सेटबैक वॉज नॉट हैविंग हैड द मॉथ दैट ही हैड डिस्कवर्ड नेम्ड आफ्टर हिम. उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा सेटबैक था, जो सबसे बड़ा उनको गम था वो ये था कि जो मॉथ उन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम जो है उनके नाम पर नहीं पड़ा. इट फेल इनटू हिज ड्रिंक वन इवनिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग इन द वरांडा ऑफ अ रेस्ट हाउस आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड. पूरे दिन फील्ड में काम करने के बाद जब वो अपने वरांडे के जो रेस्ट हाउस था उसके वरांडे में बैठे हुए थे तभी एक शाम को उनके ड्रिंक में एक कुछ आकर गिरा. एज ही पिक्ड इट आउट ही नोटिस्ड इट्स अनयूजुअली डेंस डॉर्सल टफ्ट्स. जैसे ही उन्होंने उसको देखा और उसको बाहर निकाला तो उसको उनके हाथ में कुछ एक थोड़े से थिक से मोटे से जैसे होते हैं पंख आए.
He took a closer look. उन्होंने उसको बड़े ध्यान से देखा. With growing excitement, he mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for few hours for alcohol to evaporate. अब उनका एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसको बाहर निकाला, उसको मेजर किया और फौरन जो है अगली सुबह जो है उसको धूप में रख दिया ताकि उस कुछ घंटों के लिए ताकि उसमें से जो एल्कोहल है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए. देन ही कॉट द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली. और फिर वो जो है ट्रेन पकड़ के फौरन दिल्ली गए टू टैक्सोनॉमिक अटेंशन एंड ही होप्ड फेम. और वहां उन्हें उम्मीद थी कि अगर मैं इन लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने एक ऐसा मॉथ ढूंढा है तो शायद मुझे जो है फेमस फेम मिल जाएगी, यानी कि मेरा नाम फेमस हो जाएगा. After 6 unbearable months of anxiety, to Papaji's intense disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Limantridae. पर 6 महीने बाद जो है एक तो वैसे उनको एक्साइटमेंट हो रही थी कि शायद वो जो है बहुत रेयर उन्होंने ढूंढा है या अभी तक इसके बारे में किसी को पता नहीं है. पर पापाजी को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि जब उनको बताया गया कि ये जो आपका मॉथ आपने ढूंढा है ये आइडेंटिफाई हो चुका है, थोड़ा सा डिफरेंट रेस है पर जानी पहचानी जो स्पीशीज होती है जो ट्रॉपिकल फैमिली को बिलोंग करती है Limantridae, ये उन्हीं की जो है एक तरह से प्रजाति का हिस्सा है. द रियल ब्लो केम आफ्टर 12 इयर्स लेटर when as a consequence of radical taxonomic reshuffle, Lepidopterus decided that Pappachi's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. असली बात तो तब हुई 12 साल बाद जब कुछ ऐसा हुआ कि जो radical taxonomic में जैसे reshuffling होती है फिर दोबारा जैसे करते हैं तो जो Lepidopterus थे उन्होंने पाया, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो पापाजी मौत लाए थे वो जो है बिल्कुल ही अलग स्पीशीज है और अभी तक साइंस के लिए बिल्कुल अननोन है. बाय देन ऑफ कोर्स पापाजी हैड रिटायर्ड एंड मूव टू एमएनएम. पर तब तक जो है पापाजी रिटायर हो चुके थे और एमएनएम जा चुके थे. इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू असर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी. अब बहुत देर हो चुकी थी कि वो कहते कि ये मैंने डिस्कवर किया है. हिज मौत वॉज नेम्ड आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी. अब जो उनका मौत का नाम रखा गया वो उस वक्त के जो एक्टिंग डायरेक्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के उनके नाम पर रखा गया. अ जूनियर ऑफिसर हूम पापाजी हैड ऑलवेज डिसलाइक. वो उनका जूनियर ऑफिसर था जिसे पापाजी हमेशा जो है डिसलाइक करते थे यानी नापसंद करते थे.